हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब ये ना मेरी सिस्टर है, इसको चेस्ट पेन रहता है, तो आप एक बार चेक कर लेते। अच्छा, इनका तो एक्सरे करना पड़ेगा। एक काम करिए, आप अंदर चलिए। वो डॉक्टर साहब एक्सरा कितने में होगा? 1000 रुपीज। इतने तो नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, आप लोग मुझे अच्छे लोग लगे, आप पैसे जब दे देना जब मैं रिपोर्ट भेजूंगी, ठीक है? अभी हम एक्सरे कर लेते हैं, चलो। आप कहाँ आ रहे हो अंदर? आपको भी एक्सरे करवाना है क्या? आपको पता है एक्सरे की रेस कितनी तेज होती है? आप एक काम करो, आप यहीं बैठो, मैं इनका चेकअप करके आती हूँ, चलो। मैं अंदर जाके एक्सरे मशीन ऑन कर रही हूँ। तुम एक काम करो, अपने पूरे कपड़े उतार दो, मतलब पूरे। देखिए, मैंने पूरा एक्सरे अच्छे से कर लिया है। आप लोग घर जाओ, मैं इनकी रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगी। दीदी मेरी रिपोर्ट कब तक आएंगी? अरे डॉक्टर ने बोला तो था जैसे ही तुम्हारी रिपोर्ट आएंगी वो व्हाट्सएप पे भेज देंगी। अच्छा ठीक है। अरे रिपोर्ट्स आ गई शायद। दीदी रिपोर्ट नहीं है तो वीडियो है। दीदी तो मेरा MMS है। MMS? ये देखो कॉल आ रही है इसकी। हेलो, क्या 50,000? नहीं नहीं दीदी, मुझे ब्लैकमेल करी, कह रही कि 50,000 नहीं दिए तो ये मेरा MMS लीक कर देगी। डॉक्टर साहब ये लीजिए पैसे और प्लीज मेरा MMS लीक मत करना। गुड, हर महीने की पहली तारीख को मेरे पास इतने पैसे आ जाने चाहिए, नहीं करूंगी MMS लीक। और ना आए तो पुलिस। हाँ पुलिस। MMS बनाने से पहले ये तो देख लेती कि MMS बना किसका रही है। अरे डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन तुम जैसे इंसान डॉक्टर के भेष में शैतान हो शैतान। तुम्हें शर्म नहीं आती एक औरत होके औरतों की इज्जत के साथ खेलते हुए? अरे शर्म आनी चाहिए तुम जैसे इंसान को, तुम्हारे वजह से पूरा डॉक्टर समाज बेइज्जत हो रहा है। लेकिन नहीं, तुम जैसे इंसान के ना फिराक में हम बहुत पहले से थे, कंप्लेन तो बहुत पहले आ गई थी तुम्हारी। लेकिन पकड़े अब गए हो। तुम्हारी फिराक में ना हम पिछले 2 महीने से थे। वो तो सही है, मैंने खुद आके यहाँ पर इंक्वायरी करी, वरना तुम लोग तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ खेलते। प्लीज मैम, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी मैम, प्लीज। माफी? जो तुम लोग काम कर रहे हो ना, इस चीज की कोई माफी नहीं होती है, होती है सिर्फ सजा। चलो मेरे साथ।